हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली ईआरपी 9 के अंदर जो फंक्शन वाली शॉर्टकट कीज हैं वो कौन कौन सी हैं। जी हाँ, फंक्शन वाली शॉर्टकट की। तो चलिए आइए टैली ईआरपी 9 को यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन वाली शॉर्टकट की। तो जो भी फंक्शंस वाली शॉर्टकट कीज है आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं, इसे एजुकेशनल मोड पर लेते हैं और यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से हम कंपनी एक सेलेक्ट कर सकते हैं या न्यू कंपनी भी बना सकते हैं चाहे तो। चलिए न्यू कंपनी बना लेते हैं। यहाँ से आते हैं क्रिएट, तो देख सकते हैं यहाँ सी आप प्रेस कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए। इंडियन कंपनी कर लेते हैं, इंडियन कंपनी। तो ये हो गया इंडियन कंपनी, ये कंपनी बन गई। यहाँ पर आएगा आपका लोकल एड्रेस और ये हमने डाल दिया लोकल एड्रेस और एंटर करेंगे। एंटर करेंगे यहाँ पर आपका जो है कंट्री आएगा और यहाँ पर आएगा स्टेट। तो स्टेट डालना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। और स्टेट का कोड भी होता है अलग अलग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे यू प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये देखिए ये इंडिया हो गया और यहाँ यू प्रेस किया, ये देखिए उत्तर प्रदेश आ रहा है ना। उत्तर प्रदेश का भी एक अलग से कोड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेट चूज करना कंपलसरी है, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी वगैरह आप लगाते हैं तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कंपनी बन गई हमारी। अब देखिए, अब यहां से हम सीखेंगे कि जो फंक्शन वाली शॉर्टकट की है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए F1 से क्या होता है, F1 से आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ F1 जैसे ही प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट कंपनी वाला डायलॉग बॉक्स अपने आप ओपन हो जाता है, देख रहे हैं F1 प्रेस करने से, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कंपनी चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया F1, लेकिन Alt के साथ F1 प्रेस करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी हमारी, ठीक है। फिलहाल हमें बंद नहीं करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन आपको Alt के साथ दबाना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो जो भी डेट चेंज करनी है F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसके बटन प्रेस करके बाहर आते हैं। अब अगला जो टास्क है वो है पीरियड चेंज करने का। तो आप Alt के साथ F2 प्रेस करेंगे तो पीरियड भी चेंज कर पाएंगे। पीरियड यानी दो डेट्स के बीच में, मतलब उसके बीच की कोई भी डेट अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पर ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाहर आते हैं इसके बटन प्रेस करके। इसके बाद से अगर आपको कंपनी के अंदर जाना है, ठीक है, कंपनी बनानी है तो आप F3 प्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है इंडियन कंपनी के नाम से, तो हम कंपनी बनाने नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हम F3 प्रेस करते। अगर किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो Alt के साथ F3, ठीक है। ये देखिए Alt F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी की आप इंफॉर्मेशन जान सकेंगे, ठीक है। और अगर आप Alt F1 कर देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप अकाउंट इन्फो में जाना चाहते हैं तो ए प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं तो जी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और फिर सी प्रेस कर सकते हैं ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। यानी अगर आपको ग्रुप बनाना है तो पहले ए फिर जी और फिर सी प्रेस करेंगे तो ग्रुप बना पाएंगे, ठीक है। तो ए जी सी ये एक शॉर्टकट की आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहां से, देखिए अगर आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना है तो आई प्रेस कर सकते हैं तो इन्वेंटरी इन्फो में चले जाएंगे। अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आई के साथ जी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आइटम बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आई के साथ आपको क्या प्रेस करना है, आइटम बनाने के लिए आई के साथ आपको प्रेस करना है सीधा सीधा यहाँ पर आई, यानी आई दो बार प्रेस करेंगे तो सीधा सीधा स्टॉक आइटम वाली विंडो पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर आई आई, तो देखिए आई स्टॉक आइटम आई आई सी करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आईआईसी कर दिया हमने। अब छोड़िए इसको, सीधे आ जाते हैं कहां, अकाउंटिंग वाउचर में। तो ये आ गया अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए आपको वी प्रेस करना है खाली। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपको इन्वेंटरी वाउचर में जाना है तो Alt F1 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, Alt F1, ठीक है। तो आप चले जाएंगे इन्वेंटरी वाउचर में, यानी स्टॉक जनरल में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जो कंट्रा वाउचर है वहां जाना है तो F4 प्रेस करना है। देखिए कंट्रा में आ गए। F5 प्रेस करेंगे पेमेंट में आ जाएंगे। F6 प्रेस करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, F6 प्रेस करते ही रिसिप्ट में आ जाएंगे। F7 प्रेस करते जनरल में आ जाएंगे। F8 प्रेस करते कहाँ आ जाएंगे, F8 प्रेस करते ही हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। और F9 प्रेस करते ही कहाँ आ जाएंगे, परचेज वाउचर में, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं F10 जो है रिवर्सिंग जर्नल है, और फिर कंट्रोल के साथ F10 जो है ये आपका मेमोज है, और कंट्रोल के साथ F9 जो है डेबिट नोट है, और यहां पर देख सकते हैं ये कंट्रोल के साथ F8 जो है क्रेडिट नोट है। और यहां पर देख लीजिए ये Alt के साथ अगर आप S प्रेस करते हैं तो ये स्टॉक वाला है, तो यहां पर देखिए स्टॉक की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना है तो Alt के साथ आई प्रेस करिए, और इस तरह की तमाम चीजें आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। नीचे दो चीजें और दी गई हैं F11, यानी फीचर्स के लिए आप F11
प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप फीचर्स के अलावा कॉन्फिगर पे जाना चाहते हैं तो F12 प्रेस कर सकते हैं। F11 प्रेस करने के बाद आप यहां पर अकाउंटिंग फीचर के लिए A प्रेस कर सकते हैं, इन्वेंटरी के लिए I प्रेस कर सकते हैं, और स्टेटटरी के लिए S प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एड ऑन फीचर के लिए O प्रेस कर सकते हैं और बाहर आने के लिए Q प्रेस कर सकते हैं, तो क्विट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं पूरी बात आपको समझ। लेकिन एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, देखिए शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन कैसे होगा ये। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको, अगर आपको अकाउंट इन्फो में जाना है तो आप ए प्रेस कीजिए, लेकिन अगर आपको ग्रुप में जाना है तो ए के साथ जी प्रेस कीजिए, और सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट कर पाएंगे ग्रुप, ठीक है। यानी ए जी सी, अगर आप सीधा सीधा टैली के मेन मेन्यू पे रहते हुए ए जी सी प्रेस करते हैं तो देखिए सीधा ग्रुप क्रिएशन में आ जाएंगे। तो एक तो शॉर्टकट की आपकी बन जाएगी ए जी सी, ठीक है। दूसरा, अगर आपको इन्वेंटरी में जाना है, या फिर मान लीजिए यहां पर ए प्रेस किया, अगर आपको लेजर बनाना है तो ए के साथ एल प्रेस कीजिए, ए एल सी। तो अगर ए एल सी, अब देखिए यहां पर देखिए, अगर आपको सिंगल लेजर बनाना है तो ए एल सी प्रेस कीजिए और सीधा सीधा सिंगल लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल लेजर बनाना है तो ए एल, देखिए ए एल सी आर, ठीक है। यहां पर देखिए ए, यहां से देखिए ये हो गया ए, फिर एल, ठीक है। एल प्रेस करते हैं यहां पर आ जाते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे ए, ए के बाद अगर हमें लेजर बनाना है तो एल प्रेस करेंगे, लेकिन अगर हमें मल्टीपल लेजर बनाना है तो आर प्रेस करेंगे। देखिए मल्टीपल लेजर में आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन है शॉर्टकट की का, तो ये जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे ये आपको याद होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां से आए, ए प्रेस किया, एल प्रेस किया, लेजर को अल्टर करना है तो ए कर देंगे, ए एल ए, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है शॉर्टकट की का, ठीक है। इस बार देखिए ए एल प्रेस किया, और फिर अब मान लीजिए यहां पर डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले में जाना है, ए एल डी प्रेस कर दीजिए, तो आप डिस्प्ले में चले जाएंगे। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही ये चीजें हो पाएंगी। अच्छा मान लीजिए यहां से आपने ए प्रेस किया और आपको बाउचर टाइप में जाना है तो ए के साथ क्या प्रेस करेंगे, ए के साथ भी प्रेस करेंगे, और फिर सी प्रेस करेंगे तो बाउचर टाइप में आ गए, बाउचर टाइप क्रिएशन में, ठीक है। तो क्या हुआ, ए फिर क्या है, ए के साथ भी, फिर सी, ए बी सी प्रेस करेंगे तो बाउचर टाइप क्रिएशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज तो बहुत पॉपुलर है, जैसे अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा तो आप प्रिंट आउट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास रिपोर्ट होगी तो उसको प्रिंट करना है तो अल्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको डिस्प्ले में जाना है तो डी प्रेस कीजिए, अगर आपको यहां से डेबुक में जाना है तो फिर डी प्रेस कीजिए, यानी दो दो बार आप डी प्रेस करेंगे तो सीधा डेबुक में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये गेटवे ऑफ टैली पे है, एक बार डी प्रेस किया फिर दूसरी बार प्रेस किया तो सीधा डेबुक में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आप मौजूद हैं और आपको डिस्प्ले में जाना है तो डी प्रेस किया, और अगर आपको अकाउंट बुक में जाना है तो डी के बाद ए प्रेस कर दीजिए तो आप अकाउंट बुक में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहां पर है गेटवे ऑफ टैली पे, आपने डी प्रेस किया, और अगर आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में तो एस प्रेस कर दीजिए तो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, और ओ प्रेस कर दीजिएगा तो आउटस्टैंडिंग देख पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।